my dear NEET aspirants. I, Dr. Garima Singh Khan, welcomes you all to Prades Institute of Education. So welcome to our YouTube channel that is Prades Education NEET. यहाँ पर बच्चों हम कर रहे हैं तैयारी आपकी जीत की, तैयारी हम साथ में कर रहे हैं नीट की, और नीट को हम टारगेट कर रहे हैं 2024 के लिए. फिलहाल जो कार्यक्रम आप पढ़ रहे हो ये है क्लास 11th का सिलेबस, और हमने 11th के सिलेबस में स्टार्ट कर दिया है बेटा नीट जूलॉजी का चैप्टर विच इज़ एनिमल किंगडम, और आज एनिमल किंगडम का थर्ड लेक्चर हम पढ़ने वाले. बट बिफोर वी बिगिन एनीथिंग लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू टू व्हाट प्रैडिस एजुकेशन इज़. सो प्रैडिस एजुकेशन बाय इटसेल्फ इज़ अ वेरी रिनाउंड ई लर्निंग एप्लीकेशन. You will find this application both on Play Store as well as on the iOS market. दोनों ही जगह पर आपको application मिल जाएगी. हमारी application में हम पिछले सालों से cater करते आ रहे हैं बच्चों को जो कि classes KG से लेकर 12 तक के हैं, और हम इन्हें school boards के relevant सारी की सारी पढ़ाई करते हैं, कराते हैं year long. तो हमारे यहाँ year long preparation कराई जाती है school exams की. प्लस हमारे एप्लीकेशन पे आपको हर आपके सिलेबस का कोर्स पूरा का पूरा, उसके नोट्स, आपके जितनी भी रिफ्रेशर्स हैं उनके फ्री सॉल्यूशंस, वर्कशीट्स, टेस्ट पेपर्स, सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा. तो अगर कोई भी बच्चा इनरोल कराना चाहे हमारे साथ, तो अभी फ़िलहाल हमारा ऑफर प्राइस चल रहा है जिसमें आपको हमारी जो फीस है वैसे वो 30,000 ईयरली है, बट अभी ऑफर प्राइस से अगर आप इनरोल करते हो कूपन कोड यूज़ करके तो आपको पड़ेगा वो 8999 में. तो 8999 में आप हमारे ऐप को एनरोल कर सकते हो हमारे साथ, और अपनी पूरे साल की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हो. कौन कौन से बच्चे? केजी से लेकर 12 तक के सभी बच्चे. रही बात आप लोगों की बेटा, जो लोग हमारे साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग भी चाहें तो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि नहीं पर्सनलाइज इंटरेक्शन चाहिए, हमें गाइड किया जाए हमारी पढ़ाई सही चल रही है या नहीं, कुछ गलती हो रही है, मोटिवेशन कम है, बात करनी है टीचर से, तो आप लोग भी पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. अदरवाइज आपको पूरा का पूरा यहीं पढ़ाया जाएगा बच्चा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ आपको फ्री में कराई जाएगी. ये जो चीज़ें हैं अगर आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपको फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस शीट, वर्कशीट एब्सोल्युटली अवेलेबल मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके लिए आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत भी नहीं है. बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें एक टेलीग्राम चैनल चाहिए जहाँ पर हमें DPPs वगैरह सारी मिल जाएँ, कोई डाउट हो हम वहाँ डाल सकें, सॉल्यूशंस हम आपसे वहाँ पूछ सकें, डिस्कस कर सकें. तो बिल्कुल बच्चा, टेलीग्राम चैनल बन गया है. टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी इन द डिस्क्रिप्शन. तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर अपनी डेली प्रैक्टिस शीट्स करना स्टार्ट कर दो. जो भी करते जाओगे, जितना भी करते जाओगे, जो भी अपडेट होगा आप हमें उसके थ्रू कनेक्ट करके भेजोगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम करेंगे आपकी पूरी प्रिपरेशन. आज का लेक्चर एनिमल किंगडम के बारे में. एनिमल किंगडम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, और विट टेकर्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से द फिफ्थ किंगडम. और इस फिफ्थ किंगडम में आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये है हमारे तीन फाइलम्स. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स एंड द एनलिड वर्म्स. तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लैटी हेलमेंथिस, एस्की हेलमेंथिस और हमारे एनलिडा को. स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर विथ प्लैटी हेलमेंथिस. प्लैटी हेलमेंथिस की बेटा अपन बात करते हैं ना, तो प्लैटी हेलमेंथिस हमारे जो टीनोफोरा थे या निडेरिया थे उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं. क्यों कॉम्प्लेक्स हैं? क्योंकि यहाँ से आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन दिखनी स्टार्ट हो जाएगी. मतलब वहाँ तक आपको दो ही जर्म लेयर्स दिख रही थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बीच में मीजोग्लिया थी. यहाँ जब हम आएंगे तो आपको तीन जर्म लेयर्स दिखेंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म. तो यहाँ से ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हो चुके हैं. यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे प्लैटी हेलमेंथिस में, ये ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम चपटे यानी फ्लैट होते हैं. तो अगर आपको बॉडी इनकी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड दिखे, ऊपर से नीचे पूरी चपटी दिखे, तो हम कहते हैं इन्हें फ्लैट वर्म्स. तो इनको फ्लैट वर्म्स बुलाने के पीछे का रीज़न ही ये है बच्चा कि इनकी पूरी की पूरी बॉडी एकदम फ्लैट है. इनकी पूरी की पूरी बॉडी एकदम फ्लैट है. कौन से उसमें फ्लैट है? तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है, मतलब आगे पीछे चपटा है पूरी तरीके से, ठीक है? ये कैसे हैं? ये मोस्टली एंडो पैरासाइट्स हैं. कोई पूछ लेगा एंडो पैरासाइट मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी के अंदर रहते हैं एज पैरासाइट्स. तो ये एनिमल बॉडीज़ में इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम सबकी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमारी बॉडी से सिंपल फूड को डायरेक्टली डिराइव करते हैं. तो ये डाइजेशन जैसा कोई काम नहीं करेंगे. सारे एनिमल्स में मिल सकते हैं, मतलब काफ़ी एनिमल्स में मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स. अब यहाँ पर अगर आप फ्लैट वर्म्स को देखोगे तो बच्चों ये होते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल. बायलैटरली सिमेट्रिकल आप समझ चुके हो कि अगर हम सेंट्रल एक्सिस से एक लाइन पास करेंगे तो सिंगल प्लेन से हम इसे राइट और लेफ्ट इक्वल में डिवाइड कर सकते हैं. तो अगर एक सिंगल प्लेन से ऑर्गेनिज्म की बॉडी राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो पाती है तो उन्हें हम बायलैटरली सिमेट्रिकल कहते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन जर्म लेयर्स के बने हुए हैं, तीन जर्म लेयर्स के बने हैं. तीन जर्म लेयर्स कौन सी होंगी? बाहर वाली होगी एक्टो, अंदर वाली होगी बच्चा एंडो,
और बीच वाली लेयर होगी मीजोडर्म, बीच वाली लेयर होगी मीजोडर्म। अब क्योंकि ये फ्लैट है ना ऊपर से नीचे तक, तो आपको इनमें बॉडी कैविटी नहीं मिलेगी, आपको इनमें सीलोम नहीं मिलेगा, इसीलिए हम कहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स हैं एसीलोमेट, एसीलोमेट विच मीन्स नो बॉडी कैविटी, नो बॉडी कैविटी। तो इनमें आपको बिल्कुल बॉडी कैविटी नहीं मिलेगी। बट ये थोड़े और एडवांस हैं, क्योंकि हमने जब उनकी बात की थी हमारे निडेरियंस की, तो वहाँ पर हमें टिश्यूज तो दिखे थे बट ऑर्गन्स नहीं दिखी थी। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है, तो यहाँ से ऑर्गन्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो आप इनमें देखोगे कि अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने लगा है, तो यहाँ आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। इनकी एक और खासियत देखोगे तो, क्योंकि ये पैरासाइट्स है ना, वो भी एंडो पैरासाइट्स, तो इन्हें क्या करना होता है, एनिमल की बॉडी के सर्फेस से अपने आप को अटैच करना पड़ता है, हुक करना पड़ता है, तब जाके वहाँ से ये लोग न्यूट्रिशन डिराइव कर सकते हैं। तो आपको इनमें मिलेंगे हुक्स एंड सकर्स, और ये आपको इनके सभी पैरासिटिक फॉर्म्स में मिल जाते हैं। तो हुक्स एंड सकर्स मिलेंगे, हुक्स एंड सकर्स की हेल्प से अपने आप को अटैच करते हैं टू द होस्ट बॉडी, और उससे फिर अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। कुछ में आप देखोगे कि ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं होस्ट से डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सर्फेस। तो जो अपने आप को अटैच नहीं कर रहे हैं, उस अटैचमेंट से नहीं ले रहे हैं, वो अपने पूरे बॉडी सर्फेस के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनका पूरा बॉडी सर्फेस होस्ट के सर्फेस के कॉन्टैक्ट में रहता है, और डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लैटीहेलमिंथिस। तो आप देखोगे कि प्लैटीहेलमिंथिस में ना एक्सक्रीशन करने के लिए कुछ स्पेशल सेल्स हैं, इन स्पेशल सेल्स को हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। क्या बुलाते हो अपने, फ्लेम सेल्स। तो इनमें एक्सक्रीशन का जो काम करते हैं वो होते हैं आपके फ्लेम सेल्स। अब फ्लेम सेल्स क्या करेंगे, वही जो आपके लिए किडनी करती है, मतलब जैसे आपके पास किडनी है वैसे इनके पास फ्लेम सेल्स हैं। आपकी किडनी आपके लिए नाइट्रोजन मटेरियल को बाहर निकालती है, एक्सक्रीशन करती है विच मीन्स, और साथ साथ में आपकी किडनी एक काम और करती है जो कि है ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब फ्लूइड्स को और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करके रखना, मतलब कौन सा पॉजिटिव चार्ज अंदर है, कौन सा फ्लूइड में बाहर है, कितना कैसा बैलेंस बनाना है, इस चीज़ को मेंटेन करना। तो ऑस्मोटिक लेवल्स को मेंटेन करना, वाटर और आयंस के लेवल को मेंटेन करना, ये भी आपकी किडनीज का फंक्शन होता है। लाइक वेज फ्लेम सेल्स का भी ये काम है। तो फ्लेम सेल्स का दो काम हो जाएंगे, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। आप लोग क्या करते हो, एक्सक्रीशन तो याद रख लेते हो, ऑस्मोरेगुलेशन भूल जाते हो, जिसके कारण आपका आंसर गलत हो जाता है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, ऑस्मोरेगुलेशन प्लस एक्सक्रीशन दोनों यहाँ पर फ्लेम सेल्स करते हैं। तो देखो ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म है फ्लैटवर्म का, प्लेनेरिया नाम है इसका। इसमें आप देखोगे बच्चा तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि इसके पास कुछ प्रोटोनेफ्रीडियाज होते हैं, इन प्रोटोनेफ्रीडियाज को ही हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। तो इसी को हम जूम इन करके देखेंगे तो आपको ऐसे फ्लेम सेल्स दिख जाएंगे। इन्हीं फ्लेम सेल्स में कुछ ऐसे सीलियाँ हैं, न्यूक्लियस है, कुछ फ्लूइड फिल्टर्स हैं। इन फ्लूइड फिल्टर्स के थ्रू मटेरियल एग्जिट आउट होता है फिल्टर होकर, ठीक है। अब इनमें जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करने जाते हैं ना, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनका सेक्स कैसा है। तो इनके सेक्सेस में अगर आप देखोगे तो एक सिंगल बॉडी में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, एक सिंगल बॉडी में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। सिंगल बॉडी में प्रेजेंट होना मतलब प्लांट्स के केस में होती थी मोनोशियस कंडीशन, है ना, मतलब यहाँ पर जो कंडीशन आपको दिखेगी वो कंडीशन आपको दिखने वाली है बाइसेक्सुअल। तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। तो एक सिंगल बॉडी में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और इसी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी आपको मिलेगा। और जब इनके गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो आप देखोगे गैमेट्स का फ्यूजन भी बॉडी के अंदर ही हो जाएगा, बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज़ करा के जाइगोट का फॉर्मेशन भी कर लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बिकॉज दोनों गैमेट्स अंदर हैं, दोनों अंदर ही अंदर फ्यूज़ होते हैं, बाहर नहीं रिलीज होते, तो हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। और एक बार जब साइकोट बन जाता है तो वो साइकोट डायरेक्टली अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। एक बार जब वो साइकोट बन जाता है, मतलब फर्स्ट सेल बन जाता है नेक्स्ट जनरेशन का, तो वो डायरेक्टली अडल्ट जैसा नहीं बनता है, वो लार्वल स्टेजेस के थ्रू गुजरता है। और लार्वा जो है वो मॉर्फोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अलग होते हैं फ्रॉम द अडल्ट फॉर्म्स। तो इनमें आपको बीच बीच में अलग अलग लार्वल स्टेजेस आती हुई मिलेंगी, धीरे धीरे ये अपने आप को चेंज करेंगे, इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा और तब जाके ये अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है पर डेवलपमेंट बेटा इनडायरेक्ट है, मतलब डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हुए हैं, इनडायरेक्टली लार्वल फॉर्म्स के थ्रू होते 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 कन्वर्जन आप देख पाओगे, ठीक है। तो
तो ये हुई हमारी कहानी अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो इसमें मिलता कौन है, तो इसमें आपको मिलेंगे कुछ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि टीनिया सोलियम जो कि टेप वॉर्म होता है, जैसे कि फैशियोला जो कि लिवर फ्लूक होता है। तो फैशियोला लिवर फ्लूक है आपका, हम पढ़ेंगे कि डिजीजेस कॉज करते हैं, कौन कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं, कौन कौन से एनिमल्स में कॉज करते हैं, सब कुछ पढ़ने मिलेगा हमें बट क्लास 12th में, ठीक है। तो अभी ऐसे वाले क्वेश्चंस, डिजीजेस वाले क्वेश्चंस को लेकर घबराना नहीं है, 12th क्लास में है ये सब, तो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो हो सकता है आप कोई बुक सॉल्व करो और आपको क्वेश्चंस मिल जाएं, तो अभी आपको उसको लेकर मचलने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो कितना बाहर से पूछते हैं, ठीक है। बिल्कुल बच्चा ऐसा नहीं है, 12th क्लास में वो चीज़ें दी गई हैं इसीलिए हमसे पूछते हैं। तो हमें बिना घबराए बिना परेशान हुए सिर्फ अभी जितना जितना पढ़ाया जा रहा है उतना अपने माइंड में धीरे धीरे रजिस्टर करते हुए चलना है। अब देखो इसका एक मेंबर है प्लेनेरिया जो हमने अभी देखा, ये जो मेंबर है ना इसके अंदर होती है हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। अभी रीजनरेशन क्या होता है मैम? रीजनरेशन होता है बेटा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स रहते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी रहती है कि वो पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना सकें, मतलब वो डिवाइड करना भी जानते हैं और वो अपने आप को डिफरेंशिएट करके अलग अलग टिश्यूज अलग अलग ऑर्गन्स बनवाना भी जानते हैं। तो इस पावर को कहते हैं हम पावर ऑफ रीजनरेशन। और प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, प्लेनेरिया हमारे लिए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमें को देखने को मिलती है हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन इन द सेंस कि इसकी बॉडी का ऑलमोस्ट हर सेल ये काम कर सकता है, हर सेल इसकी बॉडी का एक स्पेशलाइज सेल है, हर सेल एक स्पेशल रीजनरेटिव सेल है। हर सेल को ये चीज़ आती है कि वो अपना काउंट बढ़ाए, प्लस ये भी आती है कि वो अपने सेल्स को डिफरेंशिएट करके अलग अलग टाइप के सेल्स में कन्वर्ट करे, तो जिन सेल्स की रिक्वायरमेंट है वो सेल्स बना के दे, उसको ये चीज़ भी आती है। तो डिवाइड करना प्लस डिफरेंशिएट कराना दोनों चीज़ें वो कर सकते हैं, तभी तो ऐसा है कि सिर्फ डिवाइड कर करके बॉल ऑफ सेल्स नहीं बना रहे जबकि पूरा ऑर्गेनिज्म बना पा रहे, बिकॉज डिफरेंशिएशन करते भी उनको आएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते भी उनको आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो आपके फ्लैटवर्म्स, टीनिया, प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक, ठीक है, तो ये आप तीनों को अप्रिशिएट कर पा रहे हो। नेक्स्ट इन द क्लासिफिकेशन द नेक्स्ट फाइलम ये है हमारा एस्की हेलमिंथिस यानी कि नेमाथी हेलमिंथिस या फिर नेमाटोडा। अब बच्चों प्लैटी के कंपैरिजन में इसकी बात करेंगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि क्लासिफिकेशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, तो ये आप ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हो। ये भी वॉर्म्स हैं बट ये जो वॉर्म्स हैं ना ये राउंड वॉर्म्स हैं, इनकी बॉडी फ्लैट नहीं है, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी बॉडी जो होती है वो सर्क्यूलर होती है क्रॉस सेक्शन में, और इसीलिए आप इन्हें राउंड वॉर्म्स बुलाते हो, ये कैसे हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वो एंडो पैरासाइट्स थे बट ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पानी में रह सकते हैं, लैंड पे रह सकते हैं, या फिर प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं। वहाँ हमने प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट की तरह बात नहीं करी, पर यहाँ हमने ये बात करी है कि आप पानी में रह लो, चाहे आप प्लांट पे रह लो फ्रीली, या फिर आप पैरासाइट की तरह प्लांट या एनिमल के ऊपर रहते रहो, तो आपको हर टाइप का ऑर्गेनिज्म मिलेगा इन नेमाथी हेलमिंथिस या फिर एस्की हेलमिंथिस। अब राउंड वॉर्म की बात करोगे ना आप, तो यहाँ पर भी वही है सेम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ऑर्गन था, यहाँ पर सिर्फ ऑर्गन्स बन पाई थी, ठीक है, यहाँ तक सिर्फ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ था ऑर्गन लेवल, बट एस्की हेलमिंथिस थोड़े और बेटर है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ ऑर्गन नहीं मिल रही है, आपको ऑर्गन्स के थ्रू एक पूरा डेवलप्ड सिस्टम मिल रहा है। जैसे कि मान लो कि आपको सर्कुलेटरी सिस्टम दिखने लगे या आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखने लगे, तो ये क्या है, ये ऑर्गन सिस्टम्स हैं। तो यहाँ से हमारा और एडवांसमेंट हो गया है, सिर्फ ऑर्गन्स ही नहीं है जबकि उन अलग अलग टाइप की ऑर्गन्स ने जो सेम फंक्शन करना चाहती हैं मिलाकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम भी बना लिया है। तो यहाँ से हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखने लगेगा। ये भी बच्चा बायोलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, तो जो कैरेक्टर एक बार आ गया एडवांस कैरेक्टर है, ये वापस नहीं जाएगा। अब सारे ऑर्गेनिजम्स में, आप सारे फाइलम्स में प्लैटी के बाद से सब में आप ट्रिप्लोब्लास्टिक देखोगे, सब में आप देखोगे कि बायोलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये एडवांस कैरेक्टर है, एक बार आए हैं तो वापस नहीं जाएंगे। अब इनकी हम सीलोम की बात करें तो यहाँ आपको सीलोम ज़रूर दिखेगा, हम ये बात कर चुके हैं, यहाँ सीलोम ज़रूर दिखता है। हमें देखने को मिलता था, क्या देखने को मिलता था बेटा, कि बाहर एक्टोडर्म है, बिल्कुल है, अंदर एंडोडर्म है, बिल्कुल है, और हमें ये भी देखने को मिलता था
कि बीच में एक खाली कैविटी है, बीच में एक एम्प्टी स्पेस है, और ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको जिसने लाइन करके रखा है वो है आपके मीजोडर्म के सेल्स, वो हैं आपके मीजोडर्म के सेल्स। पर ये मीजोडर्म के सेल्स क्या प्रॉपर लाइन करते हैं? नहीं करते। अगर प्रॉपर लाइन करते तो ये बॉडी कैविटी ट्रू बॉडी कैविटी होती, ट्रू बॉडी कैविटी। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ देखने को मिलेगा कि बाहर एक्टोडर्म है, अंदर एंडोडर्म है, और मीजोडर्म ने इस कैविटी को पूरी तरीके से लाइन नहीं करा है, रादर आपका मीजोडर्म पैचेस में प्रेजेंट है, मीजोडर्म आपका पैचेस में प्रेजेंट है। तो मीजोडर्म है ज़रूर, मीजोडर्म है ज़रूर, बट कम्प्लीटली उस कैविटी को लाइन नहीं कर रहा है। इसलिए इस बॉडी कैविटी को आप कहते हो स्यूडोसीलोमेट। क्या बुलाते हो? स्यूडोसीलोमेट। तो ये वाली बॉडी आपको स्यूडोसीलोमेट टाइप की दिखती है बिकॉज द बॉडी कैविटी इज नॉट कम्प्लीटली लाइंड बाय द मीजोडर्म, रादर द मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन पैचेस। तो मीजोडर्म में पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होने के कारण बॉडी कैविटी आपकी ट्रू नहीं है, फॉल्स बॉडी कैविटी है, फॉल्स बॉडी कैविटी है। अब देखो हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि यहाँ पे सिस्टम्स देखने मिलेंगे। तो यहाँ आप देखो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कुछ दिख रहा है, हम एलिमेंट्री केनाल की बात कर रहे हैं। अब इनका एलिमेंट्री केनाल हम कहते हैं कंप्लीट है। कंप्लीट क्यों है? कंप्लीट इसीलिए है क्योंकि आपको एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स देखने को मिलने वाला है। तो कंप्लीट होना इन द सेंस आपके पास दो ओपनिंग्स होना, एक माउथ जैसी और एक एनस जैसी। जब दो ओपनिंग्स हैं तो हम कहते हैं कि कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल है। तो केनाल वही होता है जिसकी दो ओपनिंग्स हैं, इसीलिए कंप्लीट है। साथ में इनके पास एक मस्कुलर फायरिंग्स भी है, जिसे हमारे पास फायरिंग्स होता है वैसे इनके पास भी आप याद रखना कि एक अच्छा खासा डेवलप्ड मसल का बना हुआ फायरिंग्स रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी, तो इनमें जो एक्सक्रीशन होगा बच्चों वो होगा एक एक्सक्रीटरी ट्यूब की हेल्प से। तो इनकी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होगी जो हेल्प करेगी बॉडी के सारे वेस्ट को रिमूव करने में। तो जो बॉडी कैविटी थी वहाँ से वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करेगी। तो आप ऐसे इमेजिन करो एक ट्यूब है, सारे वेस्ट को इधर उधर से बॉडी कैविटी से कलेक्ट कर रही है और एक ओपनिंग से बाहर निकाल रही है। तो जो ओपनिंग होगी जिससे बाहर निकलेगा उसे आपको बुलाना है एक्सक्रीटरी पोर, उसे आपको बुलाना है एक्सक्रीटरी पोर। तो ये अगर हमारा ऑर्गेनिज्म था तो इस तरीके से आपको एक एक्सक्रीटरी ट्यूब मिलेगी जो बॉडी कैविटी के आजू बाजू की सारी जगह से वेस्ट कलेक्ट करेगी और उस पूरे वेस्ट को एक ओपनिंग के थ्रू या एक पोर के थ्रू बाहर रिलीज करा देगी। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ट्यूब का काम है वेस्ट मटीरियल को रिमूव करना बॉडी कैविटी से और एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू उसे बाहर कर देना, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू उसे बाहर कर देना। अब यहाँ प्लैटीहेल मेंथेस से ये लोग अलग हो जाएंगे। किस कंडीशन में? जब हम इनके सेक्सेस की बात करेंगे। यहाँ आपको दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, मतलब आपको मेल अलग दिखेगा, आपको फीमेल्स अलग दिखेंगे। तो मेल फीमेल आपको दोनों अलग अलग दिखने वाले हैं, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ में दो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल अलग बॉडी में, फीमेल अलग बॉडी में। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइओशिस कंडीशन, यानी कि यूनिसेक्सुअल कंडीशन। तो यहाँ पर आपको दिखेगा यूनिसेक्सुअल कंडीशन। यूनिसेक्सुअल कंडीशन तब होगी जब आपको एक सिंगल बॉडी में बेटा एक सिंगल सेक्स ऑर्गन मिले, तो मेल अलग मिले आपको, फीमेल अलग मिले, तब आप इस कंडीशन को बुलाओगे एज डाइओशिस कंडीशन। ओके, दैट इज यूनिसेक्सुअल कंडीशन। उसमें भी आप देखोगे कि फीमेल्स जो हैं ये यूजुअली मेल से लंबी होंगी साइज में, फीमेल ऑर्गेनिजम्स मेल से लंबे होंगे साइज में। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर अप्रिशिएट कर पाओगे। इनमें भी प्लैटीहेल मेंथेस की तरह फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, वहाँ तो एक ही बॉडी थी, यहाँ दो बॉडी हैं, पर फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? इनसाइड द फीमेल बॉडी, मतलब मेल गैमेट को फीमेल बॉडी तक ट्रांसफर करेंगे एंड देन द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। सो फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू बी इंटरनल एंड इट इज गोइंग टू हैपन इनसाइड द फीमेल बॉडी। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है कि इंटरनल होगा और फीमेल बॉडी के अंदर होगा मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। अब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो दोनों तरीके से हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में आप डायरेक्ट डेवलपमेंट देखोगे कि डायरेक्ट आपको आपका जाइगोट एडल्ट का फॉर्म लेता हुआ दिखेगा, डिवाइड कर करके बड़ा होते हुए ह्यूमंस में जैसे होता है, या फिर आपको इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा जैसा फ्रॉग में होता है कि पहले टैटपोल जैसा कुछ बना। टैटपोल और फ्रॉग कहीं से कहीं तक मैच नहीं करते, बट वो टैटपोल धीरे धीरे खुद को बदलता है और फ्रॉग बनता है। लाइकवाइज यहाँ पर भी आपको लार्वल स्टेजेस देखने को मिल सकती हैं, एग्जैक्टली जैसे बटरफ्लाई वगैरह में होती हैं कि प्यूपा कैटरपिलर, वैसा ही कुछ आप यहाँ भी देख पाओगे। फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट है, मतलब वहाँ पर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हैं, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हैं। अदरवाइज बाकी ऑर्गेनिजम्स में डायरेक्टली हो सकता है विदाउट अंडरगोइंग एनी लार्वल स्टेज। ठीक है,
विदाउट अंडरगोइंग एनी लार्वल स्टेज. तो ASCII helminthes में हमें कौन कौन देखने को मिलेगा? हमें देखो इस तरीके से देखने को मिलेंगे राउंड वॉर्म्स, इनको हम एस्कैरिस कहते हैं. तो यहाँ पर आपको एस्कैरिस यानी राउंड वॉर्म देखने को मिलेगा. अगेन इनसे बहुत सारे डिजीजेज होती हैं जिनको हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, तो यहाँ से हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है. नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा बेटा गुच्चीरिया, जिसे हम फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं. ठीक है, गुच्चीरिया जिसे हम फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं. और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एनसाइक्लोस्टोमा, जिसे हम बुलाते हैं हुक वॉर्म. एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हम बुलाते हैं हुक वॉर्म. तो आप अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर देख पाओगे. ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये सब पैरासाइट्स की तरह ह्यूमन बींग्स के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर रहते हैं. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर्म है, जैसे कि आपका फिलेरियल वॉर्म था. ये फिलेरियल वॉर्म एक बहुत खतरनाक बीमारी कॉज करता है. आपने क्लास 9th में पढ़ी है व्हाई डू वी फॉल इल में. अब मुझे पता नहीं आपको ये याद है या नहीं, बट अगर आपको याद है तो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि फिलेरियल वॉर्म से कौन सी डिजीज़ होती है. ठीक है, फिलेरियल वॉर्म से कौन सी डिजीज़ होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता तो है कि आपको ये चीज़ याद होगी. तो अगर याद है किसी को तो मुझे ज़रूर चैट बॉक्स में लिख के बताना. चलो अब हम अपन मूव करते हैं टू द नेक्स्ट फाइलम, विच इज़ फाइलम एनेलिडा. विच इज़ फाइलम एनेलिडा. अब मैं फाइलम एनेलिडा की बात करूंगी बच्चों, तो यहाँ आप देखोगे कि ऑर्गेनिजम्स अगेन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं. यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल है अर्थवर्म, और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेगमेंटेशन यानी मेटामेरिज्म. तो इनमें आपको बहुत सारे सेगमेंट्स यानी कि मेटामर्स मिलने वाले हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर रहने वाले एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश और मराइन वाटर दोनों में रह सकते हैं. कुछ लैंड पे रह सकते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, और बहुत ही थोड़े से ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं. तो यहाँ के ऑर्गेनिजम्स लैंड वाटर दोनों जगह रह रहे हैं, फ्रेश सी दोनों वाटर में रह पा रहे हैं. प्लस जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम फ्री लिविंग है कुछ, लेकिन पैरासाइट्स भी होते हैं. इनमें भी आपको बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल दिखेगा, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल से बड़ा कुछ है नहीं, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल इनमें भी रहेगा. प्लस बायोलैटरल सिमेट्री ये भी शो करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी रहेंगे. तो ये वही सारे फीचर्स हैं जो एडवांस्ड फीचर्स हैं, इनको वापस नहीं जाना है. तो ये सारे फाइलम्स में अब मिलने वाले हैं. यहाँ पर जो अलग मिल रहा है आपको वो है कि इनकी बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, इनकी बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं. तो बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है बच्चों, बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. और यहाँ पर आपको एक टिपिकल ऑर्गन का रिपीटेशन भी मिल रहा है. जैसे कि मान लो ओवरीज मिली, तो ओवरीज सिंगल सेगमेंट की जगह दो तीन सेगमेंट्स में कंटिन्यू करिए कि 15, 16, 17 तीनों में है. इस तरीके से कंटिन्यूएशन में चलेगा. और इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये होते हैं सीलोमेट. सीलोमेट, सीलोमेट बोल दिया मतलब ये बात एकदम क्लियर है कि एक्टोडर्म तो था ही, एंडोडर्म तो था ही, मीजोडर्म भी है. और मीजोडर्म ने प्रॉपरली इस बॉडी कैविटी को चारों तरफ से घेर के रखा है. तो यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है और इन सेल्स ने बढ़िया इस बॉडी कैविटी को चारों तरफ से कवर करके रखा है. तो ऐसी कंडीशन मिलेगी तो हम कहेंगे कि ठीक है, आपकी जो बॉडी कैविटी है ये ट्रू बॉडी कैविटी है, ट्रू बॉडी कैविटी है. तो ट्रू बॉडी कैविटी होना मतलब सीलोमेट होना. और सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत कहाँ से हो रही है? एनेलिडा से हो रही है. एनेलिडा में आपको मिल रही है ट्रू बॉडी कैविटी. ट्रू बॉडी कैविटी यानी कि बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म. बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म. ठीक है, तो इसी से हमारे जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस था, वो भी रिवाइज होता जा रहा है ना. तो आई होप सबको याद भी हो गया होगा. इनकी जो बॉडी सरफेस है बेटा, इसमें आपको आउटर और इनर दोनों जगह पर इंटेग्यूमेंट्स दिखेंगे, जिन्हें आप मेटामर्स बोलते हो. इसीलिए इनका नाम एनेलिडा है. तो एनेलिडा का मतलब ही लिटिल रिंग्स होता है. तो आपको ऐसी लिटिल लिटिल रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसीलिए आप इन्हें एनेलिड्स बुलाते हो. इनको अगर आप देखोगे ना इंटरनली, तो आपको देखने को मिलेंगी कि इनके पास मसल्स होती हैं. कुछ मसल्स लॉन्गिट्यूडनल हैं, कुछ मसल्स सर्कुलर हैं. तो आपको दो टाइप की मसल्स देखने को मिलेंगी इनमें, लॉन्गिट्यूडनल टाइप की और सर्कुलर टाइप की. ये जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स इनकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं. आपके एलिमेंट्री कैनाल में भी यही मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर. तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं, आपके एलिमेंट्री कैनाल की भी मूवमेंट में हेल्प करती हैं. लाइकवाइज अर्थवर्म में भी या फिर एनेलिड्स में भी यही लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं. आपने बचपन में पढ़ा था कहीं बॉडी मूवमेंट्स नाम का चैप्टर, जब आपने अर्थवर्म का लोकोमोशन पढ़ा है, तब ये बात जानते हो कि वो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स इनको मूव करने में हेल्प करती हैं. इन्हीं के बेटा जो एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं ना,
उनका एग्जाम्पल है इसमें नीरस. अभी नीरस क्या है? ये नीरस एक ऐसा फॉर्म है जो पानी में रहता है. पानी में रहता है तो उसे स्विम करना होता है, और स्विम करने के लिए इसके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैरापोडिया. क्या बुलाते हो अपने? पैरापोडिया. तो स्विमिंग करने के लिए इनके पास स्पेशल अपेंडेजेस रहते हैं, और ये कैसे होते हैं? लैटरल होते हैं, मतलब साइड्स में होते हैं. तो ये अगर आपकी मान लो नीरस है, तो आपको यहाँ पे साइड में इस तरीके से पैरापोडिया मिल जाएंगे जो इनकी स्विम करने में हेल्प करेंगे, स्विम करने में हेल्प करेंगे. सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँगी मैं, तो इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है. और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हमने कहा है तो इसका क्या मतलब है? वेरी गुड, इसका मतलब है कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं. इसका मतलब है मैम कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, मतलब ब्लड पूरी सीलोम में फ्लो नहीं कर रहा है. ब्लड प्रॉपरली ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, बॉडी कैविटी ब्लड फिल्ड नहीं होती. तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान से याद रखनी है, काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है ये भी. अब आगे बढ़ेंगे बच्चा तो हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन, सॉरी अब हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे इनके एक्सक्रीशन की. एक्सक्रीशन हमने प्लैटीहेल मेंथिस में देखा फ्लेम सेल्स यानी प्रोटोनेफ्रीडिया की हेल्प से हो रहा है. एस्केहेल मेंथिस में देखा कि एक्सक्रीटरी ट्यूब है, एक्सक्रीटरी पोर है. यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा नेफ्रीडिया. क्या मिलेगा? नेफ्रीडिया. सिंगल होता है तो नेफ्रीडियम भी बुलाते हैं. यही सेम काम करता है जो फ्लेम सेल्स कर रहे थे हमारे लिए किडनी करते हैं, जो कि है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. क्या काम करता है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. कौन करता है? नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया तो ये इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें नेफ्रीडिया मिलेंगे आपको, और नेफ्रीडिया की हेल्प से होगा इनके पास क्या? एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन. चलो अब बात करते हैं इनके ब्रेन टाइप की, मतलब न्यूरल सिस्टम की, कंट्रोल कौन कर रहा है बॉडी को. तो इनमें आप देखोगे कि इनके पास पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं. पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं. गैंग्लिया क्या होते हैं? गैंग्लिया होते हैं आपके नर्व्स का कलेक्शन, झुंड, गुच्छा. तो आपको दो गैंग्लियन मिलेंगे इस तरीके से, जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे बाय लैटरल नर्व्स, और साथ साथ कनेक्टेड रहेंगे टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. तो आपको देखने को मिलेगा कि दो गैंग्लियन्स हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, और कनेक्टेड हैं टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. जिसकी हेल्प से कनेक्टेड हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से, उन्हीं को हम बुला रहे हैं लैटरल नर्व्स. तो लैटरल नर्व्स की हेल्प से डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड रहेंगे. अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी कि हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि दो गैंग्लियन्स लैटरल नर्व कॉर्ड इनको कनेक्ट करी है टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. तो इनके पास एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, दो गैंग्लियन्स हैं, और लैटरल नर्व्स के थ्रू से कनेक्टेड हैं ये. लैटरल नर्व्स के थ्रू से कनेक्टेड हैं, ठीक है. इतना हम यहाँ से ध्यान रखेंगे. अब बच्चों आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं नीरस के बारे में कि नीरस का हमने अभी अभी पढ़ा कि इसके पास पैरापोडिया होता है स्विम करने के लिए. उसके अलावा बुक में एक चीज़ और बताई है, ये बताई है कि नीरस जो है ये होता है डायोशिस. डायोशिस इन द सेंस कि आपको सेक्सेस सेपरेट मिलेंगे, मेल नीरस अलग, फीमेल नीरस अलग. बट जब आप अर्थवॉर्म की बात करोगे, लीचेस की बात करोगे, तो अर्थवॉर्म और लीचेस आपको मिलेंगे बच्चा मोनोशियस. मोनोशियस तो ये मोनोशियस होंगे, मतलब इनमें सिंगल बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है. यहाँ पर आपको मेल अलग फीमेल अलग देखने को नहीं मिल रहा है. तो नीरस में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे दो ऑर्गेनिजम्स, मेल अलग फीमेल अलग, डायोशियस कंडीशन. बट जब आप बात करोगे इनकी, इनकी मतलब किनकी? अर्थवॉर्म और लीचेस की, तो यहाँ पर आपको एक सिंगल बॉडी में मेल फीमेल दोनों मिलेंगे. सिंगल बॉडी में मेल फीमेल दोनों मिलेंगे. और अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी. हर एक लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी है ना एनिमल किंगडम की, सारे क्वेश्चन उसी से आने वाले हैं. तो बहुत अच्छे से हर लाइन को हमको मेमोराइज करना है, ठीक है. रिप्रोडक्शन बेटा सेक्सुअल टाइप से होता है, ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देख पाओगे. तो यहाँ आप देख सकते हो पैरापोडिया स्विम करने के लिए. तो ये है आपकी कौन? ये है आपकी नीरस. यहाँ पर आप देख सकते हो अर्थवॉर्म को, और ये है आपकी हिरियोडिना यानी ब्लड सकिंग लीच. ब्लड सकिंग लीच तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द फाइलम एनेलिडा. चलो सो विद दैट हमने आज तीन फाइलम्स कवर करे हैं, दैट इज प्लैटीहेल मेंथिस, एस्केहेल मेंथिस एंड एनेलिडा. बहुत थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं बच्चा अपन हर क्लास में, सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव से कि रोज पढ़ें, कंसिस्टेंटली पढ़ें, रोज का रोज कंप्लीट कर पाएं. तो मैं आपको कभी भी ऐसा बहुत सारा एक साथ नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमारा एक सेट गोल है ना, और हमें डेली का काम डेली करना है.
राय का पहाड़ नहीं बनाना चाहते हैं हम, पूरी चीज़ों को इकट्ठा नहीं करो, जितना जितना पार्ट देखते जाते हो उतनी की एनसीईआरटी थरली रीड कर लो, और टेलीग्राम चैनल पे डीपी भी तो मिल ही जाएगी, वहाँ से अपनी प्रैक्टिस शीट्स को भी सॉल्व कर लिया करो। कोई भी डाउट, कोई भी डिफिकल्टी, द चैट बॉक्स, द कॉमेंट सेक्शन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर यू। जितनी बार बोलोगे बेटा उतनी बार आपको चीज़ें दोबारा कराई जाएंगी, बताई जाएंगी, बट फॉर दैट यू हैव टू स्पीक अप। तो प्लीज़ कमेंट में लिख दिया करो जो भी तुम्हारा फीडबैक है, तुम्हें जैसा भी फील हो रहा है, और हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हमारे साइड से पॉसिबल होगा, वील प्रोवाइड एवरीथिंग टू यू। आपको बदले में क्या करना है, यू विल जस्ट हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि हम जितना डेडिकेशन आपके प्रति दिखा रहे हैं, हमें भी उस चीज़ का फ्रूटफुलनेस दिखाई दे, दैट यू पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम अस। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ऐप को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डेली का काम डेली करते जाना। अभी देख लेते हैं अपना एंट्रेंस कॉर्नर और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इससे आ चुके हैं या आ सकते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स ऑफ विच फाइलम आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल। अब देखो ये वाली कहानी कहाँ से शुरू हुई है, प्लैटी से। तो प्लैटी के ऊपर जितों का नाम लिखा होगा सब इसी कैटेगरी में आएंगे, इससे नीचे जितने हैं वो इसमें नहीं आएंगे। तो पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, नहीं, एक ही है, प्लैटी हेलमिंथिस। तो प्लैटी हेलमिंथिस यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो आपको सारे वॉर्म्स पे मिलेगा। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो सारे वॉर्म्स पे मिलेगा, तो सारे के सारे वॉर्म्स एंडोपैरासाइट्स होते हैं क्या, नहीं। सब फ्री लिविंग होते हैं क्या, नहीं। सब में सेगमेंटेशन है क्या, नहीं। बट सब ट्रिप्लोब्लास्टिक ज़रूर है, क्योंकि देखो फ्लैट वॉर्म्स यानी प्लैटी, एस्की हेलमिंथिस यानी राउंड वॉर्म्स, और एनलीड्स यानी अर्थफॉर्म वाले कैटेगरी के लोग सबके सब कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जरूर हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द कॉलम्स 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमें इसे मैच करना है और करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। अब यहाँ हमसे इन्हें पूछा है आपको किस में क्या मिलने वाला है। तो देखो अगर हम सीधा सीधा चले तो हमें पता है कि मेटामेरिज्म मिलेगा बेटा एनलीड्स में, सीडोसीलोमेट होते हैं हमारे एस्की हेलमिंथिस, सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलता है स्पॉन्जेस में, रेडियल सिमेट्री हमें मिलती है हमारे कहाँ गए, हमारे सीलेंट्रेट्स में, और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें मिलने वाला है हमारे प्लैटी हेलमिंथिस में। तो इस तरीके से हम अपना पूरा मैच द कॉलम कर सकते हैं। अब इसको मैंने मैच किया है तो इसके हिसाब से मेरा 1 का आंसर डी है, 2 का आंसर ए है, 1 का डी है, 2 का ए है, 3 का आंसर है मेरा बी, 3 का आंसर है मेरा बी, 4 का आंसर है बेटा मेरा ई, और 5th का आंसर है मेरा सी, विच मीन्स दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, विच मीन्स दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से मैं अपने मैच द कॉलम क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इकाइनोकोकस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखो इकाइनोकोकस का हमने नाम नहीं पढ़ा अभी, अभी हम एग्जांपल्स में नहीं देखने को मिला, बट हम यहाँ से इस चीज़ को याद करेंगे कि इकाइनोकोकस जो होता है ये बिलोंग करता है प्लैटी हेलमिंथिस को। ठीक है, लोगों को लग सकता है कोकस लिखा है यानी बैक्टीरिया है, बट नहीं, इट बिलोंग्स टू प्लैटी हेलमिंथिस। तो ये चीज़ हमने यहाँ से एक नई लर्न कर लेनी है कि इकाइनोकोकस हमें कहाँ मिलेगा, इसको हम हाइडाटेड वॉर्म भी कहते हैं, और ये हमें मिलेगा इन प्लैटी हेलमिंथिस। ठीक है, तो ये प्लैटी हेलमिंथिस का एग्जाम्पल है। चलो इसके बाद पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ काला अजर। अब अगेन ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, यहाँ नहीं पढ़ा है, पर घबराने की बात नहीं है, हम 12th में वापस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा है काला अजर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है। तो काला अजर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लेशमेनिया होता है बच्चा। ठीक है, कौन होता है, लेशमेनिया। तो लेशमेनिया के कारण होता है काला अजर। इसके लिए घबराना नहीं, नेक्स्ट क्लास में मतलब 12th में हमको बिल्कुल सारी डिजीजेस पढ़ने मिलेंगी जो ह्यूमन हेल्थ को बिलोंग करती हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को हम, सारी डिजीजेस को हम उसमें देखने वाले हैं। तो बिल्कुल हमको स्ट्रेस लेने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। चलो अब हम अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडल्ट्स ऑफ वुचिरीरिया ब्रैंकॉफ्टी अटैक। तो अगेन मैंने पूछा था एक डिजीज़ कॉज करता है वुचिरीरिया, उस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस चैप्टर में ना काफ़ी मिक्स्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम सब पैरासाइट्स थे डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ और इस चैप्टर से मिले जुले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ लिया है वुचिरीरिया ब्रैंकॉफ्टी क्या करता है, तो मैं बता देती हूँ, लिम्फ वेसल्स को अटैक करता है। तो एक बहुत बड़ा क्लू है, अब मुझे बता देना कि क्या डिजीज़ होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एजर्शन है, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म, सब के सब एंडो पैरासाइट्स हैं ह्यूमन बींग्स में, बिल्कुल हैं।
नेक्स्ट है क्योंकि इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड खाते हो इसीलिए इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है। तो हाँ ये बात तो सही है क्योंकि अगर आप इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड खा रहे हो तो ये जो ऑर्गेनिज्म से इनके एग्स हो सकते हैं उस फूड में मिट्टी से कंटामिनेटेड था क्योंकि आपने खाया, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। बट इसका इस बात से क्या लेना देना है, इसका इस बात से कोई लेना देना तो है नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू हैं बच्चा, पर ये इसका कहीं से कहीं तक रीज़न नहीं है। इसीलिए एजर्शन रीज़न के हिसाब से इसका ऑप्शन बी जाएगा। आप जानते हो हम ए चूज़ करते हैं जब एजर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है प्लस वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी चूज़ करते हैं जब दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बट वो उसका करेक्ट रीज़न नहीं है। तो यहाँ इसीलिए हम बी चूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन आर द फोर मैचेस ऑफ फाइल आर विद देयर कैरेक्टरिस्टिक सेल्स। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों करेक्ट मैचेस हैं, दोनों करेक्ट मैचेस हैं। तो इन्हें कहा है सीलेंट्रेटा में नेमाटोसाइट्स होते हैं, पोरीफेरा में क्वानोसाइट्स होते हैं, टीनोफोरा में होते हैं सोलिनोसाइट्स और प्लैटीहेलमिंथस में होते हैं नेफ्रोसाइट्स। तो बताओ क्या लगता है तुम्हें, क्या ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए, क्या ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए? सीलेंट्रेट्स में आपको नेमाटोसाइट्स दिखेंगे क्या? थिंक अ लिटिल वाइल, मतलब थोड़ा सा सोचो इसके बारे में और मुझे बताओ कि इनमें से क्या करेक्ट लग रहा है। गिवन आर द फोर मैचेस, सोचा, सोच ही लिया होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो हमें पता है बेटा ये बात ऑलरेडी कि जो हमारे सीलेंट्रेट्स होते हैं इनका पहले नाम ही नडेरिया था क्योंकि इनमें स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इनमें आपको नेमाटोसाइट्स मिलेंगे। और ऐसे ही जो हमारे पोरीफेरेंस हैं इनमें कॉलर सेल्स यानी क्वानोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, बोथ ए एंड बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, सम ऑफ देम अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली टू द बॉडी सर्फेस, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। किस फाइलम की बात कर रहे हैं ये, किस फाइलम की बात कर रहे हैं? आई वॉन्ट द आंसर इन द चैट बॉक्स, किस फाइलम की बात कर रहे हैं? डायरेक्ट लाइन से बच्चों एनसीईआरटी की, हुक्स एंड सकर्स किस में होते हैं? डायरेक्ट न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन अंदर होता है पर डेवलपमेंट में बहुत सारी लार्वल स्टेजेस आती हैं। आज ही पढ़ा है हमने ये फाइलम, फटाफट बता देना किसकी बात हो रही है। चलो ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ के बताओ। पहला स्टेटमेंट है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। अब देखो कंप्लीट है इसका मतलब है कि हम प्लैटीहेलमिंथस की बात तो नहीं कर रहे। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स है, इस लाइन को पढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि बात हो किसकी रही है। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव करती है, बिल्कुल एक्सक्रीटरी पोर है, एकदम सही। डाइओशियस है, बिल्कुल सही। फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है, मतलब बात हो रही है बच्चों एस्की हेलमिंथस की। ठीक है, तो देखो हमने कितने जल्दी पिक किया इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। सबसे पहले आपको बॉडी में सेगमेंटेशन किसमें मिलता है, तो सबसे पहले जिसमें हम सेगमेंटेशन देखते हैं वो है हमारे एनालीड्स। तो इनमें हम सबसे पहले सेगमेंटेशन अप्रिशिएट कर पाते हैं। अब देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आया नहीं है पर आ सकता है। क्या पूछा है? एनालीड्स न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया दैट आर कनेक्टेड टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से? तो याद करो हमने ऐसे बनाया था कि ये हमारे दो गैंग्लिया मान लिए थे हमने, हमने मान लिया था कि ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है और इसको इससे कनेक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ लैटरल नर्व्स, तो लैटरल नर्व्स इसको कनेक्ट करती हैं। देखो क्वेश्चन कैसा दिया है, डोर्सल नर्व, वेंट्रल नर्व, क्योंकि यहाँ पर डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड लिखा है तो बच्चे कंफ्यूज होकर वेंट्रल नर्व टिक कर सकते हैं, पर नहीं, लैटरल नर्व्स है, बुक में क्लियर कट दिया हुआ है। ठीक है बेटा, बिल्कुल कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइलम एस्की हेलमिंथस। क्या गलत लिखा है वो ढूंढना है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, वेल डेवलप्ड फैरिंग्स होता है, ट्रू स्टेटमेंट है। सेक्सेस सेपरेट है, डाइओशियस है, ट्रू स्टेटमेंट है। फीमेल्स लॉन्गर है, ट्रू स्टेटमेंट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बेटा, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया के एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम क्या बुलाते हैं? प्लेनेरिया के एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम बुलाते हैं फ्लेम सेल्स, है ना, फ्लेम सेल्स। तो इनको हम फ्लेम सेल्स बुलाते हैं। तो फ्लेम सेल्स को हम सोलिनोसाइट्स भी कहते हैं। एक चीज़ हम और यहाँ से सीख लें, यहाँ पर हमने देखा था इस क्वेश्चन को कि टीनोफोरा में सोलिनोसाइट्स लिखा था,
इसकी जगह इसमें लिखा होता तो ये भी करेक्ट हो जाता। तो सेलिनोसाइट्स यानी फ्लेम सेल्स होते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1, 2 एंड 3 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो हमें इसे मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब देखो ये अपने आप में ही कितना भयंकर लग रहा है, बट नहीं, तुम लोग इसको कर सकते हो, बिल्कुल इसको ट्राई करो। ठीक है, बिल्कुल इसको ट्राई करो और ट्राई करके मुझे बताओ क्या बन रहा है और क्या नहीं। तो देखो सबसे पहले तो इजी कर लो, जैसे कि हिरियोडिनिया का पता है कि इसको ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। अब ब्लड सकिंग लीच है तो इसकी खूबी क्या होगी, इसकी खूबी होगी कि मेटामेरिज्म दिखाएगी, मतलब बी का 3 और आर होना चाहिए। तो बी का 3 और आर, बी का 3 और आर कितनों में है, बी का 3 और आर एक इसमें है और एक इसमें है। अब मैं कुछ और देख लेती हूँ, तो मैं काम करती हूँ, मैं देख लेती हूँ वुचिरीरिया, तो मैं जानती हूँ वुचिरीरिया का नाम है फिलेरियल वॉर्म। वुचिरीरिया का क्या नाम है, फिलेरियल वॉर्म। और वुचिरीरिया किसको बिलोंग करता है, वुचिरीरिया बिलोंग करता है टू एस्की हेलमिंथिस। ठीक है, एस्की हेलमिंथिस में क्या होता है, सेक्सेस हमारे सेपरेट रहते हैं, सेक्सेस हमारे सेपरेट रहते हैं, सेक्सेस सेपरेट यानी डायोशिस कंडीशन। तो अगर मुझे ए का 2 और टी मिल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरा आंसर कौन सा सही है। तो ये मेरा आंसर बेटा सही है। ठीक है, मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके अलावा भी मैं बाकी देख सकती थी, जैसे मैं बात करती अगर फैशियोला की, ठीक है, तो फैशियोला मेरा क्या है, लिवर फ्लूक है, तो डी का मेरा 1 है और साथ में वो कैसा है, मोनोशियस है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होता। और फिर मैं बात करती एनसाइक्लोस्टोमा की, तो ये बेचारा हुकवॉर्म है और ये एंडोपैरासाइट की तरह रहता है, तो इसका आंसर हो जाता C4NS। तो ऐसे मैं अपने करेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचती, करेक्ट ऑप्शन पे पहुंचती। D1R था ना, D1 फैशियोला, D1 आई, एक मिनट, अच्छा बेटा टाइपिंग एरर है, ठीक है टाइपिंग एरर है, A2T B3R, ये होगा हमारा Q, ये होगा हमारा Q। ठीक है, तो ये क्यू है, अब ये क्वेश्चन सही है। देखो इस तरीके से टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं तो उस चीज़ के लिए भाई टीचर को एक्सक्यूज मारो। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइलम दैट एग्जिबिट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किसने शुरुआत की, प्लैटी हेलमिंथस ने। एस्कैरिस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सीलोम नॉर मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म, प्रेजेंस एंड प्रेजेंस। तो इसकी कैरेक्टराइजेशन है बेटा कि इसके पास ना ट्रू सीलोम है ना कोई मेटामेरिज्म आपको यहाँ पर दिखने वाला है। सो विद दैट वी हैव लुक्ड इनटू द क्वेश्चंस ऑफ द 3 फाइलम्स, प्लैटी, एस्की एंड एनेलिडा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा विथ यू। तो ऐसे तीन तीन करके बच्चों फाइलम्स पढ़ रहे हैं, एकदम प्रॉपरली उसको लर्न करने की, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत प्यार प्यार से, मोहब्बत मोहब्बत से लर्न कर लेना, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 2 क्वेश्चंस आते हैं, बड़े अच्छे से तुमको 8 नंबर देके जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को बता देना, टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लस अगर कुछ भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो एक्स्ट्रा एडिशनल, तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप बिल्कुल हमें रीच आउट कर सकते हो और जो भी चाहिए उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो विद दैट इट्स अ रैप टू दिस लेक्चर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे दी अपकमिंग फाइलम्स। थैंक यू सो मच।